हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू यू ऑल मैं हूं ससी आर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर जे लर्निंग दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी बी एम एस सिलेबस के बारे में तो इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे बी और एम के सिलेबस के बारे में तो आपको पहले से पता होगा बी एस सी का जो सिलेबस है बीएससी का जो पेपर होगा उसमें दो पेपर होने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहला पेपर का जो टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं तो चलिए देखते हैं पहले पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं बी का यह सिलेबस है और टी एस टी एम एस सीनियर की बात करेगा ठीक है तो सबसे पहला पेपर जो है उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें पढ़ना है लीनियर अलजबरा लीनियर अल्जबरा का टॉपिक कौन कौन सा है आप देखिए यहां पे विक्टर स्पेसिज ओवर आर एंड सी लीनियर डिपेंडेंस एंड इनडिपेंडेंस सब स्पेस बेसिज डायमेंशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रैंक एंड नलिटी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स अलजबरा है ठीक है डिफरेंट टॉपिक्स है ठीक है जो हमें पढ़ना है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है लीनियर अल्जबरा में क्या क्या चीजें पढ़नी है ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है ठीक है आप इसको देख लेंगे चलिए अगला टॉपिक है हमारा कैलकुलेश कैलकुलेश में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है कैलकुलेश में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है फंक्शन है ठीक है लिमिट है कंटिन्यूट है डिफ्रेंशियबिलिटी है जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं इनमें इंक्लूड है आप इसको आसानी से पढ़ेंगे स्टडी करेंगे और क्या करेंगे आप इसको आसानी से देख सकते हैं और कॉपी पे राइट डाउन कर करके अपनी तैयारी करेंगे चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री पढ़ना है ठीक है एनालिटिक ज्योमेट्री के बाद हमें क्या करना है ऑर्डिनरी इक्वेशंस इक्वेश वेक्टर एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस है थ्योरी ऑफ इक्वेशन है ठीक है हाइड्रोस्टैटिक्स है सेट थियोरी है प्रोबेबिलिटी है तो ये है पेपर फर्स्ट का सिलेबस ठीक है तो पेपर फर्स्ट के सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं और अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं हम पेपर टू में क्या क्या है तो पेपर टू की बात करते हैं तो देखिए आप अल्जबरा में क्या क्या पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन है नोशन ऑफ ग्रुप है अवेलियन ग्रुप एग्जाम्पल है ग्रुप सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कोसेट्स, लैंग्रांज थियरम है नॉर्मल सब ग्रुप है कोसेंट ग्रुप है ठीक है होमोमर्फिज्म ऑफ ग्रुप है ऑटोमर्फिज्म है बेसिक आइसोमर्फिजम थियरम है सेंटर नॉर्मलाइजर कॉन्जुगेश है क्लास इक्वेशन है कम्यूटेटर एंड कम्यूटेटर सब ग्रुप एसेक्ट्रा ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करनी है पढ़नी है ठीक है अब आगे रिंग पढ़ना है इंटीग्रल डोमेन पढ़ना है सब रिंग्स पढ़ने हैं एंड आइडियल्स पढ़ने हैं इंटीग्रल डोमेन है डिविजन रिंग है पॉलिनोमियल रिंग है फील्ड एंड दियर एग्जाम्पल्स है इसी तरह से सारे टॉपिक्स को पढ़ने हैं हम लोगों को ठीक है अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे रियल एनालिसिस है ठीक है अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं रियल एनालिसिस है इसके रियल एनालिसिस की जो जो टॉपिक्स पढ़ने सारी चीज़ें दी गई हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च है ऑपरेशन रिसर्च आप देख सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च आप क्या पढ़ना है ठीक है उसके बाद क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है न्यूमेरिकल एनालिसिस है ठीक है अगला टॉपिक मैकेनिक्स पढ़ना है हम लोगों को मैकेनिक्स में थोड़ा ज़्यादा ही चीज़ें पढ़नी हैं आप देख लेंगे अच्छे तरीके से और ये सिलेबस हमने डाउनलोड किया है बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी बी की वेबसाइट से ठीक है आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो ये रहा हम लोगों का पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड का सिलेबस जो बी के लिए था तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एम के सिलेबस के बारे में टी एस एस सीनियर की बात कर रहे हैं ठीक है तो एमएससी का सिलेबस क्या होने वाला है तो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसको देखते हैं हम सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है लीनियरजबरा पढ़ना है हम लोगों को ठीक है यहाँ पे लीनियर अलजबरा पढ़ना है कैलकुलस पढ़ना है और इनके जो टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं आसानी से ठीक है उसके बाद हम लोग को देखना है एनालिटिक ज्योमेट्री ठीक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और इनके टॉपिक्स दिए गए हैं आप आसानी से देख सकते हैं अगला टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस है एंड वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है टोपोलॉजी पढ़ने हैं ठीक है प्रोबेबिलिटी पढ़ना है उसके बाद ये रहा हम लोगों का ये छह जो हुआ हमारा छह बुक्स पढ़ने हैं हम लोगों को जो कि पेपर फर्स्ट के लिए है पेपर फर्स्ट में आपसे इनी बुक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगला देखते हैं पेपर सेकेंड का जो है पेपर सेकेंड में आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं अल्जबरा है अलजबरा में क्या क्या चीजें पढ़नी है ऑटोमॉर्फिज्म है बेसिक आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है सेंटर है नॉर्मलाइजर है है क्लास इक्वेशन कम्यूटेटर एंड कम्यूटेटर सब ग्रुप रिंग इंटीग्रल डोमेन सब रिंग्स ट्राई ये सारी चीजें पढ़नी है आप देख लेंगे अपनी सुविधा अनुसार ठीक है उसके बाद रियल एनालिसिस है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है ठीक है ऑपरेशन रिसर्च है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है न्यूमेरिकल एनालिसिस है फ्लूइड डायनेमिक्स है फंक्शनल एनालिसिस है और उसके बाद स्टैटिक्स है तो ये रहा पेपर सेकेंड का सिलेबस ठीक है तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या बी एम एस के वेबसाइट से आप इस सिलेबस को क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय नाइस डे